हाय फ्रेंड, मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं सूजी और आलू से दो ही चीज़ों से बनने वाली एकदम परफेक्ट और स्पॉन्जी नाश्ता। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और बच्चे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके का नाश्ता। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, ये झटपट बनके घर के ही दो चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है। तो चले अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। तो देखिए, हमने दो से तीन बड़े साइज़ को आलू लिए हैं, उसे अच्छी तरह से कट लगा के रख लिए हैं। एक टमाटर, दो से तीन हरी मिर्च और तीन से चार लहसुन की कलियां और कुछ कटी हुई धनिया पत्ता। तो देख, इन सब चीज़ों को हम रख लिए हैं कटोरी में। हम एक कटोरी लगभग सूजी लिए हैं 100 ग्राम के लगभग। तो देखिए फ्रेंड, अब हम आलू को अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आलू, लहसुन और मिर्ची, इन सब चीज़ों को डाल के, और टमाटर भी हम डाल देंगे। तो देखिए, हमने डाल दिए इसे, अब ग्राइंड कर लेते हैं फ्रेंड। इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने ऐड कर दिए हैं, देख सकते हैं जितना इसमें ऐड हो जाए उतना ही सूजी डाले, एक्स्ट्रा सूजी ना डाले फ्रेंड। तो देखिए, हमने डाल दिए हैं और इसे हम मिक्स करेंगे। तो आप चाहे तो दूसरा बर्तन में भी रख के मिक्स कर सकते हैं। तो हमने जिसमें ग्राइंड किए उसी में मिक्स कर लिए, देख सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, अब दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अब इसे हम इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने से भी हम डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। तो मेरा मिक्स हो गया। इधर हमने एक पैन लिए हैं, उसे हम गैस पे चढ़ा दिए और गरम होने देंगे। जब गरम हो जाएगा तो उसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। जब मेरा ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को अच्छी तरह से चिटकने देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से चिटक जाए तो इसमें हम छोटे गिलास से 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई कुछ धनिया पत्ता। तो देखिए फ्रेंड, हमने कटी हुई धनिया पत्ता डाल दिए, देख सकते हैं। कटी हुई धनिया पत्ता डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो इसे ज़रूर डालें, इसे डालना ना भूलें। अगर इसका डंठल रहे तो और भी अच्छे लगेंगे खाने में। तो देखिए, हमने डाल दिए हैं। अब जो हमने पेस्ट तैयार किए थे आलू और टमाटर की और सूजी का मिक्स करके, तो इसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो उबाल आ चुका था फ्रेंड, तो हमने डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं। इसे अब हम दूसरा बर्तन में नीचे उतारेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो इसे हम दूसरा बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं, हमने कर लिए हैं। अब हाथ में ऑयल लगाएंगे थोड़ी सी और इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं ऐड करनी है फ्रेंड, आप ऑयल से ही मिक्स करें अच्छी तरीके से। तो देखिए, हमने ऑयल हाथ में लगा के इसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने आटा रोटी के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस में इसे भी तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं, मिक्स हो गया है। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे, उसके बाद इसे हम बनाना चालू करेंगे फ्रेंड। तो देख सकते हैं, 5 मिनट में मेरा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हम इस तरीके का लेंगे। तो देखिए, अब हाथ में लेंगे और इसे जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके का हम हाथ में पूरा लेंगे और हाथ के मदद से इसे थोड़ी सी बड़ी कर लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इसे हाथ से ही कर लेंगे, हाथ से करना ही में आसान है। तो देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं, रोटी का शेप में आ चुका है बिल्कुल फ्रेंड। तो इसे अब हम कट लगाएंगे। तो बिल्कुल रोटी का शेप में आ गया है, हम हाथ से ही रोटी का शेप दे दिए हैं, देख सकते हैं। अब इसे आप चाकू के मदद से या चम्मच के मदद से इसमें कट लगाएं। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट लगाना है फ्रेंड। इस तरह से बीच से लगाएंगे, फिर हम इधर से एक कट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से शेप देना है।
तो बिल्कुल ये बनाना आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड, बच्चे को तो बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें कट लगा लेनी है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से कट लग चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे, तो देखिए कट लगा हुआ दिखा देते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो चुके थे। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके डालेंगे और अच्छी तरह से उलट पलट के इसे हम पका लेंगे फ्रेंड। तो ऑयल करें फ्रेंड, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करके ही ऑयल डालें, अगर नहीं गर्म होगी तो ये चिपकने लगेंगे, क्योंकि इसमें आलू भी रहते हैं तो आलू चिपकने लगते हैं फ्रेंड। तो कढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लें, तो देख सकते हैं नीचे से कलर चेंज होने लगा है। तो मेरा नीचे से अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसे हम चम्मच की मदद से पलट देंगे फ्रेंड। तो एक एक करके हमें पलट लेना है, तो देखिए पलट के दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितने सुनहरा कलर इसमें आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए सारे हम इसी तरीके से पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा वीडियो आप सब पूरा देखिए, अगर कहीं पे भी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर करें। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे, दोनों तरफ से पक गया, अब इसे हम निकाल के आपको दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से और स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। तो बाकी जो बचा है सेम प्रोसेस में हम तल के निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसे भी एक एक करके हम डाल देते हैं और सेम प्रोसेस में इसे भी तल के निकालना है। तो अब देख सकते हैं मेरा कितनी अच्छी तरीके से ये सूजी और आलू का नाश्ता बन के रेडी हुआ है, और बहुत ज़्यादा ये मुलायम सॉफ्ट और ये स्पॉन्जी है फ्रेंड। तो इस तरीके का नाश्ता ज़रूर बनाएं और खाएँ, सबको पसंद आने वाले हैं। एक बार जो खाएँगे उसे बार बार ये नाश्ता खाने का मन करेगा फ्रेंड। तो ज़रूर बनाएं और कॉमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये नाश्ता कैसी लगी फ्रेंड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।